Good morning, students. Beta, this is second lecture of next chapter. Okay, and it's 28th of May. Okay, so let's begin our lecture, beta. देखो, lastly we have discussed about monomers and polymers. ठीक है, monomers क्या होते हैं? Structural unit. मान लो ये कोई एक structural unit है, कोई एक single unit है. ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे monomers, ठीक है ना, ज्वाइन हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, ठीक है, और एक बड़ी यूनिट बना रहे, तो उसको क्या कहेंगे हम? पॉलीमर. जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर इस तरीके से अटैच हो गए, लीनियरली भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऐसे करके उनको स्ट्रक्चर बन सकता है. कहने का मतलब एग्रीगेशन ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, पॉलीमराइजेशन. क्या कहोगे? पॉलीमराइजेशन. तो देखो, जब कोई मोनोमर से पॉलीमर बनता है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सीक्वेंस चलने वाला है, हमारा जो एनसीईआरटी का, हमारा जो सीक्वेंस यहाँ पे हम फॉलो करेंगे वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है. विल डिस्कस अबाउट मोनोमर्स, देन इट्स पॉलीमर, ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. तो देखो, सैकराइड्स क्या होते हैं? शुगर जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना. कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? मोनोमर हो जी, पॉलीमर हो, सैकराइड्स का पॉलीमर क्या बनेगा? पॉलीसैकराइड, ठीक है. और दोनों को कलेक्टिवली क्या किस कैटेगरी में डालोगे आप? कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में डालेंगे. समझ में आ गया? ठीक है. इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के मोनोमर की, दैट आर अमीनो एसिड. क्या होते हैं अमीनो एसिड? आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद स्ट्रक्चर, ठीक है. और जब बहुत सारे अमीनो एसिड चेन बना लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रोटीन कहेंगे. यानी प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुई? अमीनो एसिड, क्लियर, ठीक है. इसके साथ साथ देखो, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है. और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स. क्या बोलोगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स. और बेसिकली पॉली न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या मिलेगा आपको? आरएनए. या तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में क्या बनते हैं? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. या फिर क्या बनेंगे आपका? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. अच्छा, कल मैंने बताया था आपको कि एक एक्सेप्शन होता है बेटा लिपिड्स का, ठीक है. लिपिड्स किससे बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनते हैं. लेकिन ध्यान रखना, दे आर नॉट पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. आगे बस समझ में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के पॉलीमर्स नहीं, ठीक है. आगे बस समझ में. अब स्ट्रक्चर हम डिटेल से पढ़ेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना. वी विल मूव विद कार्बोहाइड्रेट्स, अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स से स्टार्ट करते हैं बेटा. देखो, कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड को पहले अच्छे से समझो, ठीक है ना. बायो के अंदर देखो, जितना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली जितना आप चीजों को समझ के करेंगे, उतना ही चीजें आपके लिए क्लियर अच्छे से होंगी, ठीक है. जितना आप चीजों को समझ के करेंगे, चीजें उतना ही अच्छे से क्लियर होंगी. तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो वर्ड जुड़े हैं, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स. तो यहाँ पे कार्बो वर्ड किसके लिए लिया गया है बेटा? कार्बो वर्ड इज फ्रॉम कार्बन. किसके लिए है? कार्बन के लिए. और हाइड्रेट्स वर्ड का मतलब है वाटर से. किससे है? वाटर से. तो एग्जैक्टली अगर इसका मीनिंग देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग देखा जाए, तो क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. मतलब कि कार्बन है आपके पास, ठीक है. कार्बन मान लो आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है. वी हैव नॉट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन. सपोज वी हैव n अमाउंट ऑफ कार्बन और उसके साथ हाइड्रेट्स है, यानी कि इस तरीके से हमारे पास हाइड्रेटेड फॉर्म में, उनको क्या कहा हमने? कार्बोहाइड्रेट्स कहा, ठीक है. अब देखो, अब इसमें मान लो हमें इसको खोल के दिखा, सी एन, इसको ओपन करो, H2N, N O N, है कि नहीं?
चलो एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लो हमारे पास कार्बन क्या है, एक है, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आएंगे, दो, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या आएगा, एक, तो रेशियो क्या है हमारा, 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है बेटा, 1:2:1, इसको याद रखो, ठीक है। अब देखो मान लो कार्बन हमारा क्या है, आपके पास हो गए 2, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला, आपका जो बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट इसके अंदर आप इसको इस तरीके से कंप्लीटली लिखेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया C2H4O2, है कि नहीं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास जो है, लेकिन जब इसकी बेसिक सी डेफिनेशन देंगे, देखो बेटा ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आगे चल के डिस्कार्ड कर दी गई। क्यों डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जो है तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, दे ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, बट नॉट फॉलो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वी हैव सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो बेटा हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स नॉट हैविंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, डीऑक्सीराइबोज, हमारा जो डीएनए है उसमें जो शुगर है, ठीक है, दैट इज डीऑक्सीराइबोज। हम स्ट्रक्चर करेंगे इसका डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स के अंदर, तो फॉर्मूला C5H10O4 है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, क्या कार्बोहाइड्रेट का फॉलो हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि C5 है तो O भी कितना होना चाहिए था, 5, बट O एक कम है, ठीक है, इसीलिए ये इसे फॉलो नहीं कर रहा। बट ये हमारी, और ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है ये, ऐसे ही रेमनोज है, रेमनोज C6H12O5, ठीक है, यहाँ पे भी ये किसको फॉलो नहीं कर रहा, जनरल फार्मूला को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा। सिमिलरली डिजिट्रोज, ठीक है, C6H12O4। तो इस तरीके के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो होते तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट दे आर नॉट फॉलोइंग द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन द सेम सेंस कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे भी थे, मतलब जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को फॉलो तो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी। ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो दे फॉलो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि एग्जांपल लो फॉर्मल डिहाइड, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, ठीक है, कंडेंस करो इसको, फॉर्मल डिहाइड को कंडेंस करो, CH2O, ठीक है ना। तो ये यहाँ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 तो आ गया, बट फॉर्मल्डिहाइड कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, ठीक है। एसिटिक एसिड, ठीक है ना, क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CH3COOH, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है। इसको कंडेंस करके लिखो, दो कार्बन C2H4 है ना, और O2 वही सेम 1:2:1 का रेशियो है, क्लियर, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल अगर हम देखें, लैक्टिक एसिड C3H6O3, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड भी क्या कर रहा है बेटा, जो है इसको C6H12O6, है ना। तो इस तरीके से ये भी क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ गई इस डेफिनेशन को लेकर।
अल्टीमेटली फिर एक न्यू डेफिनेशन दी गई जो आज भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई एग्जैक्टली पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो एग्जैक्टली आपको क्या देखना है, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम आगे से ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस और कीटोस और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस देम अपॉन हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या है, देखो पहले तो इस वर्ड को समझते हैं, आपके लिए एक नया सा वर्ड आ गया पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी। पॉली का मतलब क्या हुआ, मैनी। हाइड्रोक्सी किसके लिए यूज करते हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको पता होगा, OH ग्रुप को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, बहुत सारे OH ग्रुप। उसके बाद एल्डोस या कीटोस है, ठीक है ना, एल्डोस या कीटोस है, ठीक है ना। तो अब ये एल्डोलेसिस कह लो या कीटो एल्डोस कह लो, एल्डोलेसिस इज बेटर, एल्डोलेसिस, ठीक है। तो एल्डोलेस का मतलब क्या है, देखो बेटा ये जुड़ा हुआ है एल्डिहाइडिक ग्रुप से, किससे आया है ये, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है ना, एल्डिहाइड्स। आ गई बात समझ में, तो देखो एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एच ओ, है ना, सी एच ओ को खोल के लिखोगे सी डबल बोन ओ एंड एच, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इसका केवल एक बॉन्ड खाली है, जो नया कंपाउंड आपका आएगा यानी जो आपका आर ग्रुप आएगा या कुछ भी यहाँ पे जो भी आप लगा रहे हो वो केवल एक जगह लगा सकते हो। इसका मतलब एल्डिहाइड आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, टर्मिनल ग्रुप में, टर्मिनल समझ रहे होंगे, टर्मिनल यानी कि एंड पे, ठीक है। तो एल्डिहाइड जनरली आपको कहाँ मिलेगा, कंपाउंड के एंड पे, आगे या पीछे, समझ में आ गया, ठीक है। और कीटोन्स का मतलब कहाँ से आया है बेटा, कीटोन से आया, कहाँ से आया है, कीटोन से आया है। और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरीके से कीटोन ऐसे तो लिखते हो आप। तो देखो यहाँ पे आपके पास दो बॉन्ड जो है वो फ्री, ठीक है, तो आपको कंपाउंड यहाँ पे भी, मतलब जो भी कार्बन है वो यहाँ पे भी लगेगा, एक अल्काइल ग्रुप और एक यहाँ पे भी। कहने का मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, बीच में लगेगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनल। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज या कीटोज शुगर्स, मतलब जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या एल्डिहाइडिक ग्रुप की जगह पे क्या मिलेगा, कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। अगर तो ऐसा है तो वो कंपाउंड क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की, कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस देम अपॉन हाइड्रोलिसिस, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए। हाइड्रोलिसिस को समझो पहले, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, ठीक है। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, किसी चीज को तोड़ना। आगे बस समझ में, तो देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी का यूज करके, वाटर का यूज करके किसी चीज को आप तोड़ रहे हैं। मान लो ये आपका कोई पॉलीमर है, ठीक है, ये कोई पॉलीमर है, इसमें आपने डाला वाटर, ठीक है, वाटर डालने के बाद ये स्प्लिट हो गए इस तरीके से, ऐसे करके ये स्प्लिट हो गए, मॉलिक्यूल्स ऐसे स्प्लिट हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब इस मॉलिक्यूल की क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, मतलब इस मॉलिक्यूल की क्या हो गई है, हाइड्रोलिसिस। तो अब हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो चीजें बनी है वो क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेस हो या कीटोस हो, समझ में आया। या तो डायरेक्टली आपके पास ये हो दैट इज कार्बोहाइड्रेट, या फिर क्या हो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस के दौरान, किसी भी कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस के दौरान पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेस या कीटोस प्रोड्यूस होते हैं,
उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी की, मतलब हमारे पास ऐसे कौन कौन से कैटेगरीज हैं, या आपसे कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स बताओ, तो देखो बेटा हम बात करेंगे बेसिकली ये जो कैटेगरी हम बता रहे हैं ये किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन। क्लियर? और प्लस जो है वहां पे कितने टाइप के आपके पास कंपाउंड मिल रहे हैं, आगे बात समझ में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स देखो बेटा हमने तीन टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, यू हैव टू स्टडी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला आपको पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा आपने पढ़ना है ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और तीसरा आपको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, जो स्वीट से आता है। देखो जब डिस्कवरी की गई उस टाइम पे जो है इनका टेस्ट जो था स्वीट, मतलब फर्स्ट जब डिस्कवरी हुई थी तो स्वीट टेस्ट के हमने सैकेराइड्स मिले, वहीं से नाम पड़ गया सैकेराइड। डिस्कवरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, फिलहाल टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। मोनो, मोनो मतलब सिंगल, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस ना की जाए, जिनको फर्दर ब्रेकडाउन ना की जाए। ठीक है ना, दे कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। यानी कि क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये मोनोमर हो गए, एक तरीके से क्या हो गए, मोनोमर, सिंगल यूनिट। ठीक है ना, दे आर सिंगल यूनिट, आगे बात समझ में। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड एक सिंगल यूनिट होगी। यहाँ पे बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, फ्रक्टोज की, ठीक है, इसके साथ साथ आपका राइबोज शुगर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, वो हम इन सब शुगर्स की यहाँ पे बात करेंगे, गैलेक्टोज हो गया, इराइथ्रोज हो गया इराइथ्रोज। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है ना, अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स में यहाँ पे जो हमारा कार्बन की जो चेन है, ठीक है ना, तो कितने कार्बन आएंगे यहाँ पे हमारे पास, कितने कार्बन मतलब कितने मोनोमर्स की यूनिट होगी, मान लो आपके पास दो से लेके नाइन तक। ठीक है ना, दो से लेके कार्बन नहीं, ठीक है ना, दो से लेके नाइन तक यूनिट्स होंगे, दो से लेके नाइन तक मोनोमर्स होंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड, अगर दो यूनिट है तो क्या बोलोगे, डाइसैकेराइड्स। क्या बोलोगे, देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट नहीं करना, ये मत बोलना कि दो कार्बन नहीं है, ये दो यूनिट है। ठीक है ना, जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे गैलेक्टोज की, ठीक है, गैलेक्टोज की, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज की बात करें तो तो लैक्टोज में दो पर्टिकुलर मोनोमर आएंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है ना, ग्लूकोडाई सैकेराइड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे लैक्टोज एक शुगर है, मिल्क शुगर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे बनी है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, लैक्टोज बनाएंगे। अब एक ग्लूकोज में छह कार्बन और एक गैलेक्टोज में भी छह कार्बन, तो आप कार्बन नंबर ऑफ कार्बन से नहीं डिसाइड, नंबर ऑफ मोनोमर्स के बीच पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम बात करें ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है ना, तो ट्राइसैकेराइड्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, तीन मोनोमरिक यूनिट। आगे बात समझ में, हर एक को हम डिटेल से करेंगे बट इतना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम बात करें किसकी, बहुत सारे, ठीक है ना, मोर देन नाइन मोनोमेरिक यूनिट, मोर देन
9 मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है, मोर देन 9 मोनोमेरिक यूनिट्स, उनको क्या कहेंगे हम, पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। आगे समझ में? अब देखो बेटा, यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं स्टार्च की, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर मिलता है। अगर बात करें हम एनिमल स्टार्च की, तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होता है, हमारे अंदर मिलता है स्टोर फूड, ये प्लांट का स्टोर फूड है या हमारा स्टोर फूड है। ऐसे ही आप यहाँ पे पढ़ोगे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, काइटिन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारे कंपाउंड क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको जो हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं सेलुलोज की, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको लगभग 3000 के आसपास ग्लूकोज यूनिट मिलेगी, ठीक है ना, 3000 के आसपास ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेगी। तो इसका मतलब बहुत सारे ग्लूकोज की मोनोमेरिक यूनिट मिलकर क्या बना रही है, सेलुलोज, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ऑलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन, ओके, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखो, मोनोसेकेराइड्स अभी हमने डिस्कस किया था कि दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या है ये, स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, ठीक है, जिनको हम मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मोनोसेकेराइड है, यानी कि केवल एक शुगर यूनिट, एक सिंगल यूनिट, अब उस एक सिंगल यूनिट में नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर सकते हैं, ठीक है, तो कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, यानी वाटर मिलाओगे तो फर्दर स्प्लिट नहीं होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं बेटा, हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड होगी वो कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होती है, 3 से पहले तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो वहां पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप तो होगा ही होगा, उसके बाद अगर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहे हो तो आपका फॉर्मूला सेकंड होगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन की, मान लो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन है 3, ठीक है, तो आप इस टाइप की मोनोसेकेराइड को क्या बोलोगे, ट्रायोज, क्या बोलोगे, ट्रायोज बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला देखो, अप्लाई करो, C3H3 2 6 और O3, CnH2nO3। अब देखो, ये हमारी ट्रायोज बनी, क्या बनी, ट्रायोज बनी, लेकिन ट्रायोज के अंदर भी देखो हमारे पास दो कैटेगरी, हो सकता है ट्रायोज वाले मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, और हो सकता है कि उसके अंदर क्या हो, कीटोनिक हो। तो जब भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है तो हम पीछे क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, और जब कीटोनिक ग्रुप होता है तो क्या लगाते हैं, ओ, है ना, तो उसी से हमने नाम निकाले हैं। तो देखो, अगर आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना है कि कौन सा एल्डोस के अंदर आ रहा है और कौन सा कीटोस के अंदर आ रहा है, प्लस नंबर ऑफ कार्बन का भी याद रखना। तो देखो, एल्डोस की जहां तक बात है, एल्डोस में यहाँ पे आता है ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है, और कीटोस के अंदर आता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें ना, जब आप प्लांट फिजियो पढ़ोगे, एनिमल फिजियो पढ़ोगे, जनरली ये तो प्लांट फिजियो के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, रेस्पिरेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे इस टाइप के कंपाउंड, तो वहां फिर आपको ये नहीं समझाएंगे हम कि ये कितने कार्बन का है, ये क्या है, ठीक है ना, वहां जस्ट सीधा पढ़ाया जाएगा, इसीलिए हम सभी केमिकल्स की स्टडी अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, ग्लिसरल डिहाइड का फॉर्मूला बहुत आसान है, देखो रट्टे मारने वाली कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कितने कार्बन का है, एल्डिहाइड है या कीटोन का। मान लो ये ग्लिसरल डिहाइड, पता चल रहा है ग्लिसरो वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं, 3 के लिए, ग्लिसरो वर्ड 3 कार्बन के लिए ही यूज किया जाता है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3, तो अब हमें क्या लगाना है, एक तो हमें क्या रखना है, एल्डिहाइड ग्रुप का क्या रखना है, CHO रखना है, चाहे तो आप फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप रख लो या लास्ट पे, क्योंकि अगर यहाँ से रखोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, तो इट्स नॉट मैटर, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ये तो हो गया हमारा CHO ग्रुप, ठीक
ठीक है, कौन सा ग्रुप हो गया, सी एच ओ ग्रुप। इसको ओपन करके लिखोगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे भी हो सकता है ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ एच, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने एंगल नहीं देखना ठीक है ना। तो इसको कंडेंस करके लिख रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए ठीक है, बट कंफ्यूज मत होना कि ओ एच अलग से कर दे और जो है हाइड्रोजन अलग से कर, मतलब कि सी से अलग से करते, ऐसे नहीं, ये ओ एच अलग नहीं है, ये चीजें आपने बेसिक्स में पढ़ी होंगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 10th क्लास में, एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा। और बच गया जो उस पे क्या लगाना है आपको, देखो एक तो लगाना है ओ एच, एक तो क्या लगाना है ओ एच, और बाकी जितनी भी जगह बच गई उस पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन, वैलेंसी मेंटेन कर दो कार्बन की, भाई चार वैलेंसी इधर है, चार वैलेंसी इधर है, और इसकी चार है क्योंकि दो ऑक्सीजन के साथ हो गई, एक हाइड्रोजन के साथ हो गई, एक इस कार्बन के साथ, आ रही है ना समझ में ठीक है। तो ये क्या बन गया, ग्लिसरलडिहाइड का फॉर्मूला बन गया ठीक है। अब बात करते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की, तो वही सेम तीन कार्बन रखने क्योंकि क्या है ये आपकी ट्रायोस है ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि कीटोन हमेशा बीच में आता है ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अभी बताऊंगी क्यों हम थ्री कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्री कार्बन वाले में एल्डिहाइड भी अगर आपको मिल जाएगा तो आपको कीटोनिक फॉर्म नहीं मिलेगी, और एल्डिहाइड भी अगर मिलेगा तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला भी देखना है प्लस हमें ये भी देखना है कि दोनों फॉर्म हो। तो देखो अब तो अगर मैं दो कार्बन की देती तो कीटोन के अंदर बीच दोनों हाथ पकड़ने वाला कोई तो चाहिए, दोनों बॉन्ड से कार्बन अटैच तो होना चाहिए ना, तो सिंपलेस्ट इसीलिए थ्री ठीक है। तो देखो बीच वाले कार्बन को हमने क्या मान लिया, कीटोनिक ग्रुप मान लिया, क्या मान लिया, कीटोनिक ग्रुप, वैलेंसी मेंटेन है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अब मैंने क्या कहा, बाकियों पे OH लगा दो और वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक एक तो OH लगा दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, बाकी हाइड्रोजन से मेंटेन कर दो ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्मूला, इसको कंडेंस करके लिखोगे CH2OH ठीक है, इधर से CH2OH, ये इस तरीके से, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, दिस इज ग्लिसरलडिहाइड, दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें फोर कार्बन के कंपाउंड की ठीक है, फोर कार्बन के मोनोसैकराइड, यहाँ पे क्या पढ़ोगे, टेट्रोसिस, क्या पढ़ोगे, इनको क्या बोलते हैं हम, टेट्रोसिस बोलते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, C4H8O4 ठीक है, C4H8O4 ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है तो आता है इरिथ्रोज, ये आपने याद करना है ठीक है, एक तो क्या आएगा, इरिथ्रोज आएगा ठीक है, और यहाँ इराइथ्रुलोज आएगा, इराइथ्रुलोज, देखो RULOSE रुलोज जनरली हम कीटोन के अंदर डालते हैं ठीक है ना, और डायरेक्ट उसका फॉर्म जो है ओज जो इसके अंदर पीछे लगा है उसको हम एल्डोलेज कहते हैं ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो ट्रिक का काम करती है, बाई चांस आपको नहीं आता तो, इराइथ्रोज क्या है आपके पास, जो है एल्डिहाइड है ठीक है ना, एल्डिहाइड एक टेट्रोज है, और इराइथ्रुलोज क्या है आपके पास, कीटोनिक टेट्रोज है ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल थ्रियोज, आगे बात समझ में ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद करना है। अब देखो फाइव कार्बन को क्या बोलोगे, फाइव के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, पेंट, फाइव के लिए क्या यूज करोगे, पेंट, तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, शुगर का नाम क्या हो जाएगा, पेंटोज, शुगर का नाम क्या होगा बेटा, पेंटोज नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन फाइव ले लिया और इस टाइप की शुगर को क्या बोलोगे, पेंटोज बोलोगे ठीक है। जनरल फॉर्मूला C5H10O5 क्लियर। अब एल्डोज में यहाँ क्या आता है, एक तो आपका आता है राइबोज, क्या आएगा, राइबोज, और कीटोनिक फॉर्म में आंसर किसका होगे, राइबुलोज है ना, राइबोज या राइबुलोज। तो देखो राइबोज का फॉर्मूला आपसे कोई पूछ ले, कुछ नहीं, सिंपली 1 2 3 4 5 5 हो गए ठीक है। पहले कार्बन पे सी एच ओ, पहला कार्बन हमने क्या लगा दिया, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, बाकी कार्बन में क्या करना है, ओ एच लगा दो और हाइड्रोजन लगा दो,
एक तरफ OH, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ ये, यहाँ पे अब लास्ट में मैं इसको कंडेंस करके लिख लूँ CH2OH, दो हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, एक OH मैंने कंडेंस करके लिख लिया। राइबुलोज का कोई देखो रटने वाली तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। राइबुलोज क्या हो गया, राइबुलोज में देखो बेटा वही सेम एक दो तीन चार पांच, सेकंड कार्बन पे आपका क्या आ गया है, कीटोनिक ग्रुप आ गया, यहाँ CH2OH आएगा। CH2OH का मतलब क्या है, एक OH और दो हाइड्रोजन, मैंने कंडेंस करके लिखा था, ठीक है ना। लास्ट वाले पे तो CH2OH आएगा, बाकी सभी पे OH और H, ये आपका राइबुलोज बन गया। क्लियर? तो देखो फॉर्मूला मैटर, फॉर्मूला क्या है इस टाइप का। ऐसे ही अगर हम बात करें जाइलोस, अरेबिनोस, ये सब क्या है, ये पेंटोज शुगर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जाइलोस हो गया, अरेबिनोस हो गया, ठीक है, जाइलोस हो गया आपका, अरेबिनोस हो गया, ठीक। तो ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं बेटा, पेंटोज शुगर, और पेंटोज में भी एल्डोस की फॉर्म में आ रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर आपके पास सिक्स कार्बन का हो तब क्या होगा, सिक्स कार्बन के लिए, ठीक है, सिक्स कार्बन का देखो, सिक्स कार्बन को क्या बोलोगे, सिक्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, हेक्सोस, क्या बोल दोगे, हेक्सोस बोलोगे उस टाइप की मोनोसैकेराइड को, ठीक है। फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको मिलेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सॉरी फ्रक्टोज आप इधर लिखो, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये क्या हो गए आपके सिक्स कार्बन के हो गए। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट को जनरली ये तीन ही होते हैं, बट आप मैनोज भी यहाँ लिख सकते हो, मैनोज इज ऑल्सो एल्डिहाइडिक, यू कह सकते हो हेक्सोस, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, यही टेबल से बताओ, यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप, यहाँ कीटोनिक ग्रुप। ग्लूकोज में एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, आई थिंक शायद देख नहीं रहा होगा फॉर्मूला, यहाँ लिखा होगा, चलो यहाँ यहाँ पे कर देती हूँ ना फॉर्मूला, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, छह कार्बन है। अब देखो ग्लूकोज, जब भी हम हेक्सोस की बात करें, सिर्फ हेक्सोस के लिए है, ये चीज याद रखना, देखो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास हेक्सोस है तो पहला काम क्या करना है, यहाँ से पहला तो ऊपर तो CH ग्रुप लगाओगे लगाओगे अगर एल्डिहाइड है, और अगर कीटोनिक है तो क्या लगाओगे, यहाँ फ्रक्टोज बना देते, एक दो तीन चार पांच और छह, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे OH। ये तो हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड लगा दो, फ्रक्टोज है तो कीटोन लगा दो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, अब बाकी के जो बचा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे क्या होता है, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो साइड है वो हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन तो ऐसा था, ऐसा यहाँ OH लिखते हो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हो, हाइड्रोजन, बट थर्ड कार्बन पे हमेशा OH क्या होगा, थर्ड कार्बन पे हमेशा OH इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और हाइड्रोजन होगा, चाहे वो आपका फ्रक्टोज हो, ठीक है, चाहे वो आपका फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे गैलेक्टोज, यहाँ पे OH और ये OH, इसमें सी मतलब कि इधर OH और दो हाइड्रोजन आपने लगानी थी, ठीक है। बाकी सब जैसा बताया है वैसा, ये OH, ये OH, ये OH, इधर लगा दो H, इधर लगा दो H, इधर लगा दो H, और इधर भी लगा दो H, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर दो, ये OH, ये OH, ये OH, ठीक है, ये H, ये H, और ये H, और ये भी H, यानी CH2OH। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो जब भी हम हेक्सोस की बात करते हैं, चाहे कोई भी टाइप हो आपका, ठीक है ना, कैसा भी टाइप हो, थर्ड कार्बन पे हमेशा हाइड्रोक्सी ग्रुप किस साइड आ रहा है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है सेकेंड कार्बन, ये आपने हमेशा याद रखा। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इसकी जब रिंग फॉर्म बनाते हैं, तो उसके लिए फिर मैं आपको आगे जाता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, हेक्सोस हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, सेवन कार्बन की, ठीक है, सेवन कार्बन की कंपाउंड्स की बात करें, तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे सेवन कार्बन की कंपाउंड्स में क्या बोलोगे, हेप्टुलोज, ठीक है, क्या बोलोगे, हेप्टोज बोलोगे,
नंबर ऑफ कार्बन 7 हो गए तो आप क्या बोलोगे, एक्टोज बोलोगे। ठीक है, C7H14O7। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ग्लूकोहेप्टोज आ गया, गैलेक्टोहेप्टोज एग्जांपल में ग्लूकोहेप्टोज। ठीक है, ऐसे ही गैलेक्टोहेप्टोज, गैलेक्टोहेप्टोज इस तरीके से, क्लियर। ठीक है ना, अब ऐसे ही क्यूटोनिक फॉर्म की बात करें तो सुडोहेप्टुलोज, सुडोहेप्टुलोज, हेप्टुलोज। आगे बात समझ में। तो ये इस तरीके से क्या है आपके पास, मोनोसेक्राइड्स। लेकिन अब देखो, अगर हम बात करें हमारे लिविंग सिस्टम की, ठीक है, लिविंग सिस्टम की जहां तक बात है बेटा, लिविंग सिस्टम में हमें जनरली क्या मिलते हैं, पेंटोज मिलते हैं। क्या मिलेंगे, या तो पेंटोज मिलेंगे या हमें क्या मिलते हैं, एक्सोज, मतलब अबंडेंट है। जो भी जितनी भी मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़ी है उसमें से पेंटोज और हेक्सोज मिलते हैं। अब देखो, पेंटोज और हेक्सोज दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्म हो सकती है। एक तो इसकी क्या है, लीनियर फॉर्म हो सकती है, सीधी चेन, ठीक है ना, लीनियर चेन की फॉर्म में मिल सकता है। और दूसरा हमें कैसा मिल सकता है, ये हमें रिंग फॉर्म में भी मिल सकता है। किस फॉर्म में मिलेगा, रिंग फॉर्म में मिलेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो लीनियर चेन और रिंग फॉर्म होती है, लेकिन जो रिंग फॉर्म होती है दैट इज मोर स्टेबल। देखो, क्योंकि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट कैसा होता है हमारा, हमारे लिविंग सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है ना, और वाटर के अंदर रिंग फॉर्म इज मोर स्टेबल देन लीनियर फॉर्म। आगे बात समझते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कुछ ऐसी होती है कि जो रिंग फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब जो रिंग फॉर्म है, ठीक है ना, रिंग फॉर्म क्या हो सकती है बेटा, ये 5 मेंबर्ड, यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, जो आपकी रिंग फॉर्म है, ठीक है, जो रिंग फॉर्म है वो 5 मेंबर्ड भी हो रही होगी, हो सकती है, और आपकी 6 मेंबर्ड भी हो सकती है। रिंग फॉर्म क्या हो सकती है, 5 मेंबर्ड भी हो सकती है और 6 मेंबर्ड भी हो सकती है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अगर तो क्या है, 5 मेंबर्ड है तो इसको बोलेंगे फ्यूरान, क्या बोलोगे, फ्यूरान। ठीक है, और अगर जो वो है 6 मेंबर्ड है तो उसको क्या बोलोगे, पायरान। ठीक है, पायरान, फ्यूरेनोस भी बोल देते हैं कई बार, फ्यूरेनोस फॉर्म, ठीक है, पायरेनोस फॉर्म, ये भी बोल सकते हैं। अब इस 5 मेंबर्ड में क्या होगा आपके पास, अगर आपकी पेंटोज है, ठीक है, पेंटोज है तो किस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये तो आपका हो गया है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मिलेगा आपको, ठीक है, और इस तरीके के ऐसे करके ऐसी चेन मिलेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की चेन मिलेगी। समझ में आया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5th कार्बन आपका यहाँ हो गया। लेकिन आपकी रिंग में क्या हो गए, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग में क्या हो गए, 4 तो कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, क्लियर। तो फ्यूरान जो है 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आपका क्या है, यहाँ पे पेंटोज में तो 6 मेंबर रिंग हम नहीं देखेंगे क्योंकि कार्बन ही 5 है ना, तो यहाँ पे तो हम 6 मेंबर रिंग नहीं देख रहे, क्योंकि अब देखो ये बना कैसे है, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन की, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे आपका COOH है, तो आपका जो जो कंपाउंड बना है, ठीक है ना, वो इससे और इसकी जो जो आपका कंपाउंड बना है वो ऐसे बना है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ बीच में इस तरीके, मतलब बॉन्डिंग यहाँ पे हुई, ठीक है ना, जो 4th कार्बन है वो और जो 1st कार्बन है वो, ठीक है, उनके बीच में जो है इस तरीके की बॉन्डिंग बनती है और ये ऑक्सीजन जो है ऐसे आता है, ठीक है, इस पे आपका OH ग्रुप रहेगा और H ग्रुप रहेगा, ऐसे करके इस पे आपका H ग्रुप रहेगा, OH वाला कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिंग बनी है, इस रिंग को हमने सीधा कर दिया है, ये फिफ्थ कार्बन आपका यहाँ आ गया है, 4th कार्बन आपका जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, 1st कार्बन आपका इस तरीके से प्रेजेंट होगा, बाकी चीजें ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, अगर हम फ्यूरान की बात करते हैं तो फ्यूरान में 4 तो कार्बन मिलेंगे और एक क्या मिलेगा आपको ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बात करें हेक्सोज की, ठीक है,
हेक्सोज की बात करें, पेंटोज हो गया हमारा, अगर हम बात करें हेक्सोज की, हेक्सोज तो यहाँ पे बेटा देखो हेक्सोज के अंदर अगर हम पेंटामेरिक फॉर्म की बात करें तो वही सेम कुछ इस तरीके की रिंग बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की रिंग बनेगी। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 रहेगा, यहाँ कार्बन नंबर 2 रहेगा, यहाँ कार्बन नंबर 3 रहेगा, यहाँ कार्बन नंबर 4 रहेगा, यहाँ 5 और यहाँ कार्बन नंबर 6। आगे बात समझ में, अगर हम उसकी कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, फ्यूरेनोस फॉर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 6 मेंबर रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, कुछ रिंग इस टाइप की बनेगी। 6 मेंबर रिंग कैसी बनेगी, इस टाइप की बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 4, 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ जो ये ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड बना है ये सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में, इसीलिए रिंग का साइज जो है वेरिएट कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूरॉन और पायरान है। अब हमें समझना है कुछ कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से बेसिकली आपका क्या आता है, क्वेश्चन आता है, और बहुत ही सिंपल चीज। देखो मोनोसैकेराइड को पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगता है, पॉलीसैकेराइड में तो जस्ट इनकी पॉलीमराइजेशन करनी है ना, तो इनको पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगता है। आगे बात समझ में, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक तो राइबोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद इसका पढ़ेंगे हम हेक्सोज में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है हमें कि कुछ डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स भी पढ़ने हैं, ठीक है ना, कुछ हमें डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स भी पढ़ने हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं राइबोज शुगर, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राइबोज शुगर की। आगे बात समझ में, ठीक है, तो देखो राइबोज, राइबोज का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5, ठीक है, ठीक है ना, कभी नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, कब सुना है, RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं राइबोज है। कहने का मतलब जो आपका RNA होता है वहां पे जो शुगर मिलेगी आपको वो कौन सी मिलेगी, राइबोज मिलेगी। और राइबोज देखो क्या होता है, राइबोज कैसा होता है, फ्यूरेनोज होता है, ठीक है ना, यानी कि फ्यूरान की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारा डायग्राम, हमारा राइबोज देखो बनाना सीख लो अपने आप, और रट्टे मारने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, नो नीड टू क्रैम एनीथिंग, फॉर्मूले आने चाहिए बस। और जब तक मोनोसैकेराइड क्लियर नहीं होंगे आप ना डाइसैकेराइड कर पाएंगे ना पॉलीसैकेराइड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। अब आपको राइबोज का स्ट्रक्चर ध्यान में कैसे रखना है, देखो बेटा, एक ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, नीचे की तरफ OH, इधर ऊपर क्या लिखना है जो राइट हैंड साइड में था, और नीचे क्या लिखना है जो लेफ्ट हैंड साइड में था, ठीक है, उल्टा बता गया, जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो आपका ऊपर लिखना है, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या लिखना है, नीचे HOH, ऐसे तो लिखा था HOH, यहाँ पे। अब यहाँ देखो इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो ये तो हो गया H हमारा, देखो ये तो हो गया H, ये कार्बन है, और यहाँ पे आपका दूसरा कार्बन नंबर 5 भी प्रेजेंट है, तो OH नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका OH तो यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, फोर्थ कार्बन का OH तो इधर यूज हो गया, है ना, तो वो तो OH तो लिखेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास क्या बच गया, CH2OH, है ना, ये CH2O देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये CHO था, C=OH कुछ ऐसे था, है ना, और यहाँ पे आपका ये ऐसे था, ये OH था और ये H था, ये CH2OH है, ठीक है, ये आपका OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया और ये H हो गया। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको थर्ड कार्बन वगैरह कुछ ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये क्या है आपकी राइबोज है, क्लियर। तो यहाँ देखो क्या है आपके पास, इस तरीके से क्या है, ये राइबोज शुगर है। अब मैंने कहा कि ये जो बॉन्ड बना है ये फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में बना, तो यहाँ से आपका ये OH, मतलब कि इस तरीके से यहाँ इनके बीच में जो बनेगा, यहाँ एक
हाइड्रोजन बच जाएगा और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बॉन्ड आपका कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो देखो दिस वन इज कार्बन नंबर फर्स्ट, ठीक है, दिस वन इज कार्बन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे H गया है, यहाँ से क्या गया, एक H माइनस हुआ है, ठीक है, ये एक H कम हो गया है और यहाँ से क्या है OH गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाता है और इस टाइप का एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड कौन सा बनता है आप केमिस्ट्री के टीचर से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना, इस तरीके से बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो ये फर्स्ट कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन नंबर फोर और ये कार्बन नंबर फाइव, तो ये क्या बन गई आपकी राइबोज शुगर बन, आ गया समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है ना, बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की। तो देखो बेटा हमने कहा अच्छे से कर लेना, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों बहुत ज्यादा, राइबोज भी अच्छे से करना है, मैं अभी आगे जब डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स हम पढ़ेंगे वहां पे आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, जो डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स है वहां पे आपसे पूछेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, मतलब राइबोज का क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखो ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज पहले इसके निक नेम देख लेते हैं, ठीक है ना, इसके निक नेम देख लेते हैं। ग्लूकोज को देखो हम बोलते हैं ब्लड शुगर, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है, फर्दर भी आ सकता है। तो ब्लड शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड में मिलती है, ब्लड में जो शुगर मिलेगी कौन सी मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोलोगे बेटा, इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है डेक्सट्रो रोटेटरी होती है जनरली हमारे अंदर जो मिलेगी, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, डेक्सट्रोज बोलते हैं। क्या होता है डेक्सट्रो रोटेटरी, लिवर रोटेटरी आपको करवाएंगे। नेक्स्ट देखो ब्लड शुगर के अलावा डेक्सट्रोज बोल दिया, इसके अलावा और क्या बोलोगे आप, इसको ग्रेप शुगर बोल सकते हैं, कॉर्न शुगर बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेप्स के अंदर जो आपको शुगर मिलेगी, ग्रेप शुगर, ठीक है, वो कौन सी होती है, ग्लूकोज ही होती है, ठीक है। केन शुगर, शुगर केन के अंदर जो शुगर आपको मिलती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछ ले ब्रेन शुगर, देखो ब्रेन हमारे पास, ब्रेन में जनरली क्या है, ब्रेन इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, हमारे नर्व सेल्स का ही तो एग्रीगेशन है जो बहुत ही फास्ट काम करते हैं और जहाँ पे हमारे बहुत ही ज्यादा एनर्जी की डिमांड है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से। तो जनरली ब्रेन में हमारे क्या है, इसकी अबेंडेंस ज्यादा, ठीक है ना, तो ब्रेन शुगर भी बोल देते हैं, ठीक है। और देखो जनरली इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल शुगर भी कहा जाता है जनरली सभी, ठीक है। तो ये तो है इसके निक नेम की बात, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, एक तो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, है ना, लीनियर चेन जिसको हम कह रहे थे, ओपन चेन जिसको कह रहे थे। तो देखो ओपन चेन में हमने क्या किया, एक दो तीन चार पाँच छ, है ना, और यहाँ पे ये तो हो गया आपका सी एच ओ ग्रुप, ये हो गया ओ एच, ये एच, लेकिन थर्ड कार्बन पे क्या कहा था, ओ एच लेफ्ट हैंड साइड में और ये इस साइड, ठीक है। इसके साथ साथ ये ओ एच और ये एच, ये ओ एच, ये एच और ये सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब बनाते हैं इसकी रिंग फॉर्म। तो देखो रिंग फॉर्म में हम पहले कर रहे हैं हेक्सागोनल रिंग की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं हेक्सागोनल रिंग, इस तरीके से ऐसे कर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लिखोगे, ऊपर की तरफ क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोजन, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन पे लोकेशन अपोजिट कर दो, ओ एच एच, है ना, उसके बाद एच यहाँ आएगा और आप ये वाला फ्रेंड, सॉरी एच ऊपर आएगा, ओ एच नीचे आएगा, फिर ये एच, ये सी एच टू ओ एच, क्लियर, ये क्या हो गया इस तरीके। अब देखो ग्लूकोज में भी दो टाइप के क्या मिलते हैं, फॉर्म्स मिलती है, एनोमर्स मिलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ये जो फॉर्म बनाई है इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज क्यों बोला इसको बता रही हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, क्यों बोलते हैं, डी तो डेक्सट्रो रोटेटरी के लिए, अभी आगे समझाती हूँ मैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्यों लिखा। देखो अगर तो ये ओ एच, अगर ये ओ एच इस सी एच टू ओ एच से अवे है, देखो अल्फा से वर्ड आता है ए, कहीं ना कहीं अपीयरेंस ए जैसे लग रही होगी, ये तो याद करने का तरीका है, और ए से बना आपका अवे,
ठीक है, ए से क्या बना आपका अवे, ठीक है। तो अगर क्या है आपके पास यहाँ पे इस तरीके से OH ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप CH2OH से दूर होगा, ठीक है ना, अवे होगा, तो ऐसी ग्लूकोज को क्या बोलोगे, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। डी क्यों कहा उसको मैं समझाऊंगी, बट अल्फा वर्ड क्यों यूज किया है, अवे से आप लगा सकते हो, ठीक है ना। और देखो अगर ये क्या है, बिल्कुल इसके नजदीक है, जैसे ये हमने बनाया इस तरीके से और इसको हमने कुछ ऐसे लिखा CH2OH, बाकी चीजें एज इट इज, ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा, ठीक है ना, HOH और यहाँ पे अब की बार अगर हमारा OH इधर है और ये H, अब ये क्या कहलाएगा, अब इसको देखो OH ग्रुप हमारा किस तरफ है बेटा, CH2OH की तरफ है, टूवर्ड्स, तो इसको क्या बोलोगे, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, समझ में आया। तो ग्लूकोज भी फिर दो टाइप का है, ठीक है ना, ग्लूकोज भी दो टाइप का होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप से क्या है, ये जो है ये जो कार्बन होगा, ठीक है ना, जिसमें हमारे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कर रहे हैं, रोटेशन शो कर रहे हैं, रोटेशन ही होंगे 180 डिग्री पे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, इस टाइप के, ये इस टाइप से जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है इसको क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन, क्या बोलोगे, म्यूटा रोटेशन, समझ में आया। क्या होता है, इट इज द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन किसकी, जो आपके स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, ठीक है, एनोमर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एनोमर्स का मतलब क्या है, इस तरीके का कार्बन जहां पे स्पेसिफिक रोटेशन आपको मिलती है, तो ये एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर वन, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। ग्लूकोज में आपने ग्लूकोज को देखो कैसे बनानी है इसकी रिंग फॉर्म, ठीक है ना, इसकी जो पायरान फॉर्म जो है वो कैसे बनानी है वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये तो मैंने बना दिया ग्लूकोज, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देना। अब बनाते हैं बेटा ग्लूकोज के बाद बनाते हैं गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप की रखेगा, ठीक है ना, जो है गैलेक्टोज भी क्या है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप ही रखता है, लेकिन जो गैलेक्टोज है, ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ग्लूकोज पे और गैलेक्टोज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि जो फोर्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड होता है, 1 2 3 4 5 6 क्या बना दिया, ग्लूकोज भाई C6H12O6 है, ये भी एक्सोज ही है, ये भी, ठीक है, पहले लगा दिया CHO ग्रुप, इधर वही सेम OH, ये H, थर्ड कार्बन पे इधर OH आएगा, इधर OH आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है बेटा, डिफरेंस आता है कहाँ पे, फोर्थ कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे इसके रेस्पेक्ट में OH अपोजिट साइड में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में OH अपोजिट साइड पे होगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम CH2OH, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, गैलेक्टोज बन गया। अब देखो इसका चेन फॉर्म बनाओगे तो देखो चेन फॉर्म अगर आपको याद है तो रिंग फॉर्म बनाने में आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है। यहाँ तो आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ वही सेम HOH, थर्ड कार्बन पे ऊपर OH, नीचे OH, ठीक है, लेकिन जो फोर्थ कार्बन, ठीक है ना, फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस क्या आ गया, अब यहाँ पे यहाँ क्या है, हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे,
है कि नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, गैलेक्टोज की, ठीक है ना, गैलेक्टोज की बात करें तो यहाँ OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे, बाकी सेम कर दो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं करना आपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज के, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका बन गया गैलेक्टोज, क्लियर। अब देखो लास्ट बात करते हैं किसकी, फ्रक्टोज, किसकी बात करते हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है बेटा, एक तो इसको बोलते हैं फ्रूट शुगर, क्या बोलोगे, फ्रूट शुगर, क्लियर, ठीक है। और क्या बोलना है, और क्या नाम है, इट इज दी स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर, ठीक है। नेचुरली अगर हम देखें तो इट इज स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट, ठीक है, शुगर। अब हमने जब टेबल बनाई थी तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, बस वही एक डिफरेंस बन जाता है किसके बीच में, आपके ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, समझ में आया। तो फ्रक्टोज देखो किस टाइप की रिंग बनाता है, इसको दूसरा नाम एक और आप लैबुलोज भी बोल सकते हो, लैबुलोज, ठीक है। तो देखो ये क्या बनाता है, ये फाइव मेंबर रिंग बनाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे बीच में हमारा कीटोनिक ग्रुप था, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये CH2OH हो गया, ये CH2OH हो गया, ठीक है। बाकी एज इट इज जहाँ आपका जो है, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन पे क्या आएगा आपका, OH इस साइड, एच इस साइड, बाकी सारा एज इट इज है। तो अब इसकी देखो जब हमने क्या बनानी है, रिंग फॉर्म बनानी है, तो रिंग फॉर्म किससे किससे बनेगी, इन दोनों के बीच में, जब इन दो सेकेंड और फोर्थ कार्बन के बीच में बनती है तो क्या बनता है, कैसे बनेगी, फ्लोरॉन फॉर्म बनेगी, ठीक है ना। तो हमें फाइव मेंबर रिंग मिलेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे। लेकिन अब की बार राइबोज वाला काम नहीं करना है हमें, यहाँ पे इस पे CH2OH लगा दो, इस पे CH2OH लगा दो, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, और ये H, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अपोजिट करो बेटा, ये सारा इधर से इसको CH2OH करो, इसको H, ठीक है, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, दिस इज फ्रक्टोज, ये क्या बन गया आपका, फ्रक्टोज बन गया। तो आज हमने जो डिस्कस किया है बेटा, एक बार मेरे कहने से, एक बार बिना देखे, देखो पढ़ लेना सारा बिना देखे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, वो अच्छे से बना के देखो, ठीक है। कल आपको बताएंगे ये डी और एल फॉर्म क्या होती है, इसके अलावा कल हम बात करेंगे डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स की और पॉलीसेक्राइड्स। कोशिश करूंगी कल कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो जाए, बट आई थिंक शायद मुश्किल होगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे, थोड़ा लेंदी ले लेंगे लेक्चर, ठीक है ना। और इस तरीके आज की क्लास देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं करोगे देखो पॉलीसेक्राइड बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। अगर नहीं करोगे तो चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, सब भूल जाओगे, ठीक है। तो जो ट्रिक्स भी बताई है, जो चीजें याद करने की बताई है, उन सब चीजों को अच्छे से करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।